मोहम्मद शर्मा को पता नहीं क्या हो गया, कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। शर्मा में अगर बात करने की हिम्मत होती ना लकी, तो बंटी को आगे नहीं करता। वो सब छोड़ो, शर्मा को तो हम देख लेंगे, पहले ये बताओ कि कल का सब कुछ रेडी है। हाँ मोम, सब कुछ रेडी हो गया। काफी ऑफिसर्स थे लेकिन उसमें से हमने 3-4 सेलेक्ट किए। काफी है। अरे लाली, उस रोंजू का चक्कर में तो सारा काम धाम अटका पड़ा हुआ है, तुम उस गुंडा को इतना पैसा देगा कहाँ से? माँ चिंता मत करो, उसके मुंह पे 25-30 लाख रुपए मारेंगे ना तो हम तो इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। लेकिन देखना तो ये है कि रंजू और उसकी बेटियां इस कंगाली में अपने आप को कैसे संभालती है। उनके ऊपर नजर रखना लकी विकी। मिश्रा जी, पहले आप यहीं बैठ के काम करते थे ना? हाँ बेटे, जब घर से काम करना होता था तो हम ऐसे ही काम करते थे। क्या बात है मिश्रा जी, आज आप इस तरह? आपने तो हमें वहां आने से मना कर दिया है, लेकिन हम आपको कहीं भी आने जाने से मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमारे शोना बाबू थे, शोना बाबू हैं और शोना बाबू रहेंगे। आप कहीं भी आ जा सकते हैं। हम जानते हैं कि इसके बावजूद भी आप हमें गलती समझेंगे। ललिता जी, कोई भी इंसान कहीं आने जाने से नहीं, तब होता है जब वो अपने फायदे के लिए किसी और को तकलीफ पहुंचाता है, और दूसरों को तकलीफ पहुंचाना अब तब की आदत हो गई है। हम कैसे किसी को तकलीफ पहुंचा सकते हैं शोना बाबू, हम तो खुद ही तकलीफ में हैं, वो भी बिना किसी गलती के। यही तो आपकी समझ का फेर है। आज हम उस औरत के साथ हमारा घर शेयर करें जिसने हमारा सब कुछ लूट लिया, पर आप नहीं समझेंगे। आप जानते हैं उस तरफ का बिजली पानी हमने अभी तक बंद क्यों नहीं किया? सिर्फ आपकी वजह से। ललिता जी, हमें तोड़ने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े बेहिचक कीजिए, लेकिन इतना समझ लीजिए मिट्टी में मिल जाएंगे हम, लेकिन आपको कभी नहीं मिलेंगे। और ये याद रखिएगा, हर काली रात के नसीब में एक चमकदार सुबह तो होती है, हमारी भी होगी। चलो टिया। हमें भी उस दिन का इंतजार रहेगा मिश्रा जी, लेकिन एक बात बता दें, आपकी बेटी शालू की जिंदगी में एक सुबह आने वाली है, एक ऐसी काली सुबह जो उसकी जिंदगी में उजाला नहीं अंधेरा लेकर आएगी। गुड नाइट।